बात करते हैं इंदौर की, जहां लसुड़िया में शनिवार रात चाकूबाजी की वारदात हो गई है। इस चाकूबाजी में एक महिला सहित तीन लोगों को चोट आई है। घटना में हमलावरों में एक महिला भी शामिल है। बताया जाता है कि गिरवी रखी बाइक को लेकर पूरा विवाद हुआ था। लसुड़िया पुलिस के मुताबिक घटना बापू गांधी नगर की है। यहाँ रहने वाले रवि विश्वकर्मा और उसके भाई कोमलपुर इलाके में रहने वाले सतीश दुबे, राहुल दुबे, पुष्पा दुबे, रोहित दुबे, सोनू और बबूल पांचाल ने चाकू और लठ से हमला कर घायल कर दिया था। इसके बाद हमलावर भाग गए थे। दोनों भाइयों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था। यहां रवि की हालत गंभीर है। कोमल ने बताया कि हमला करने वाले पानी पतासे के व्यापारी हैं। कोमल ने बताया कि उसने 2 महीने पहले सतीश दुबे को अपनी बाइक 50,000 में गिरवी दी थी, लेकिन उन्होंने 5,000 रुपए ही दिए थे। कोमल उनसे और रुपए मांग रहा था, लेकिन इसी बीच सतीश ने अपने रिश्तेदार के यहाँ दतिया इकमली ग्राम में बाइक भेज दी थी। सतीश ने कोमल से कहा कि वहां से बाइक ला सकता है तो चला जाए। कोमल बस से दतिया चला गया और 40 घंटे सफर कर जैसे ही रात में इंदौर आया तो सतीश और उसके परिवार ने हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। इस दौरान कोमल को बचाने में छोटा भाई रवि बीच में आ गया, जिसमें पैर और पीठ पर चाकू लगे हैं। वहीं बचाने में कोमल और महिला पिंकी भी घायल हुई हैं। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।